हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूँ प्रीतिक राव, दिख रहे हैं ट्रेडिंग टॉपर। आज हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज शेयर के बारे में। आज हम इसके डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करने वाले। इसी के साथ इस शेयर में जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स मुझे नज़र आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या है मोमेंटम, क्या है पब्लिक वोट, क्या पे जा रहा है, सब कुछ आज हम देखने वाले, पूरा इसका एनालिसिस करने वाले। तो शुरू करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से। कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ है, तो बड़ी कंपनी है, लेकिन इसकी बुक वैल्यू माइनस में जा चुकी है। कंपनी पर बहुत सारा कर्जा है, 24,000 का कर्जा है। इसके मार्केट कैप से भी ज़्यादा का इस पे जो कर्जा अवेलेबल है, मार्केट कैप से बड़ा इसने कर्जा लिया हुआ है। आरओसी की बात करें तो 0.63 का माइनस में आरओसी है। तो फंडामेंटल्स यहाँ पे जो है पूरी बात ये फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, ये हमें इससे पता चल रहा है। सीधी बात है, आ जाते हैं इनके जो है प्रॉफिट्स पे। तो अपनी इंडस्ट्री में ये फिर भी नंबर वन पर रैंक करती है मार्केट कैप के हिसाब से। इनकी जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में, तो उसमें जो ये नंबर वन पर रैंक करती है। प्रॉफिट तो कंपनी ज़्यादा बनाती नहीं है। आरओसी आरओई भी माइनस में, 0.09 करोड़ का लॉस किया है इस बार। उससे पहले 84 करोड़ का लॉस, 97 करोड़ का लॉस, 500 करोड़ लॉस। तो यहाँ पर कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। पहले हमें कुछ सालों पहले बात करें 2020 की, तो वहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट बनाया था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने अभी भी प्रॉफिट नहीं बनाया। पिछले 4-5 क्वार्टर में कंपनी लॉस ही करती जा रही है, लॉस मेकिंग कंपनी बनती जा रही है। 2,129 की इनकी सेल्स बन चुकी है, तो सेल्स भी यहाँ पे पिछली बार से जो है कम हुई है। सेल्स की बात करें हम, तो यहाँ पे जो है आ जाते हैं इनके सालाना प्रॉफिट पे। तो सालाना प्रॉफिट अगर हम देखें तो सालाना प्रॉफिट है -682 करोड़ का। मतलब यहाँ पे कंपनी लॉस किया, उससे पहले भी लॉस किया था, उससे पहले कंपनी प्रॉफिट कर रही थी 2 साल, फिर 2 साल लॉस। तो लॉस प्रॉफिट, लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट कंसिस्टेंट है, ये फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे सेल्स कैसे कम हुई है वो आपको बता देता हूँ। तो 6,000 की इनकी सेल्स है, उससे पहले 3,000 की थी। लेकिन अगर हम पास चेक करें 2013 में इनकी 21,000, 24,000, 12,000, 12,000 से 6,000 तक आ चुकी है। तो कम यहाँ पे जो ओवरऑल चेक करें लॉन्ग टर्म विजन से, तो लॉन्ग टर्म विजन से यहाँ पे सेल्स कम हुई है, ये हमें इससे पता चल रहा है। प्रॉफिट तो कंपनी कर नहीं रही है, सेल्स भी यहाँ पे कम करके रखी हुई है, तो कंपनी के हालात हमें इससे पता चल रहे हैं। लेकिन सेल्स ग्रोथ अगर बात करें लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर से 116% की ग्रोथ आई है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 99% का प्रॉफिट ग्रोथ आई है, और स्टॉक रेशियो में 11% की ग्रोथ आई है। आ जाते हैं इनके एसेट्स पे, 8,045 के इनके एसेट्स है, तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। पहले अगर हम चेक करें तो 8,043 के थे, अभी 45 के हो चुके हैं। 2 से यहाँ पे ग्रोथ हुई, 0.02 से यहाँ पे ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर पास चेक करें तो 70,000, 80,000, 32,000, तो यहाँ पे भी एसेट्स कम हुए हैं लॉन्ग टर्म विजन से। सब कुछ लॉन्ग टर्म विजन से नीचे की तरफ जा रहा है। तो देख लेते कैश फ्लो क्या है, तो कैश फ्लो भी नेगेटिव में है, 203 का। प्रोमोटर्स की बात करें, 75% शेयर्स प्रोमोटर्स के पास, एफएस के पास 1%, डीएस के पास 0.74% और पब्लिक के पास 22%। तो इस शेयर के फंडामेंटल्स में सबसे अच्छी बात यही है, प्रोमोटर्स के पास जो है वो 75% शेयर। इससे अच्छी बात तो कंपनी के बारे में और कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है। प्रोमोटर्स कंपनी में इस बार जो है इंटरेस्टेड है, प्रोमोटर्स ने यहाँ पे 2020 में अपनी होल्डिंग जो है वो बढ़ा दी है। आ जाते हैं इनका टेक्निकल चार्ट पे, तो ये इनका टेक्निकल चार्ट, टेक्निकल चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ पे नज़र आ रहे हैं उसके बात कर लेते हैं। तो कंपनी जो है वो यहाँ से सपोर्ट लिया है, अच्छा खासा सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लगभग इसी वैल्यू से इसने बहुत पहले भी सपोर्ट लिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लगभग इस वैल्यू के आसपास कंपनी जो है सपोर्ट लेती है, 22 से लेकर 20 के बीच में सपोर्ट लेती है। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी बहुत दिनों से इसी वैल्यू पे सपोर्ट लेती जा रही है। अगर हम देखें तो इस वैल्यू से फिर से एक बार सपोर्ट लिया है, थोड़ा सा ऊपर से लिया है 21 के आसपास से। तो 21 से लेकर ये 24 तक हो चुका है। हालांकि मार्केट अभी जो है थोड़ा सा प्रेशर में, फिर भी ये शेयर जो है अपसाइड मोमेंटम हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बात करें तो ये एक अच्छी बात है। पिछली बार जब इसने यहाँ से सपोर्ट लिया था, तो फिर से इसने जो था हाई लगाया था 35 का। तो फिर से हिस्ट्री दोहराती है, नहीं दोहराती है उसके बारे में भी हम देखेंगे, ये तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन अभी के लिए तो ये एक अच्छा संकेत है कि कंपनी ने यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर ली है। आ जाते हैं मोमेंटम में, 44 का मोमेंटम है, तो मोमेंटम यहाँ पे न्यूट्रल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन पब्लिक वोट जो है, पब्लिक वोट न्यूट्रल नहीं होता, पब्लिक वोट 76% बाय की तरफ है। 2000 पीपल्स ने वोट किया, उसमें से 76% लोग बाय की तरफ, सेल की तरफ 11 और होल्ड की तरफ 12%। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे बाय की तरफ वोट करें, लोगों का मूड बाय की तरफ है, लोग जो पसंद करते हैं इस शेयर को। यहाँ पे बहुत वोलेटाइल होता है क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ आती रहती है बार बार, इस शेयर पे जो है न्यूज़ बनती रहती है, तो उसकी वजह से अभी भी इसके बारे में न्यूज़ आती है ऊपर नीचे ये करता लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ से सपोर्ट लेके टेक्निकल चार्ट के हिसाब से ये अच्छे हमें रिटर्न दे सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैंने इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल का सिग्नल नहीं दिया है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। थैंक यू।